हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जन वाइज सीरीज के एपिसोड 7 का पार्ट 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि थानू ने वायु से कहा होता है कि शाम को वो उसे मिलने आएगा, इसलिए शाम को जब वो उसके घर जाता है तो वायु सो रहा होता है। थानू जब दरवाज़ा नॉक करता है तो वायु जाकर दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, इसलिए वो डोर ओपन करते ही चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाता है। थानू उसे संभालता है और जाकर उसे बेड पर लिटा देता है। इसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी को वाइप करता है। वायु पूरी तरह से होश में नहीं होता है, इसलिए वो मार्क का नाम लेते हुए कहते हैं कि मार्क, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं आराम करना चाहता हूँ, किट मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वायु ने काफी देर से कुछ भी नहीं खाया होता, इसलिए थानू उसके लिए डिनर बनाने के लिए जाने लगता है। तभी वायु उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फा कहकर पुकारता है। वो थानू को बहुत ही जोर से हग कर लेता है। वायु थानू को फा समझ रहा होता है। वो उससे कहता है कि फा, तुम मेरे पास वापस आ गए, तुम सच में मेरे पास वापस आ गए हो, प्लीज मुझे अब कभी भी छोड़ के मत जाना। तुम्हें पता है जब तुम चले गए थे तो मैं कितना अकेला फील कर रहा था, मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाया। तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो तुम मुझे इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए थे। वायु बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। थानू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हालांकि वो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो थानू है, लेकिन वायु होश में नहीं होता है। वायु तो ये तक भी कहता है कि अगर मैं कोई सपना देख रहा हूं, तो मैं कभी जगना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ड्रीम है। और ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। वो थानू को बहुत ही जोर से हग कर लेते हैं। फा वापस आ गया है, ये सोचकर वायु बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसी खुशी में वायु थानू को फा समझकर उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थानू अपनी कार में बैठा उन दोनों के बीच हुई किसिंग के बारे में सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इवेंट खत्म हो जाने के बाद सब लोग पैकिंग कर रहे होते हैं और साथ में विटामिन ड्रिंक को ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यूकी की फ्रेंड यूकी से पूछती है कि जू कहाँ है, उसे तो यहाँ पर होना चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए। यूकी ने अभी कोई आंसर किया ही नहीं होता है, तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि ये मत कहना कि इस वक्त जू बाहर में है। तब यूकी उससे कहती है कि आज स्पेशल ओकेजन है, ऑफकोर्स वो वहीं पर होगा। तभी उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि ये तो उसका रूटीन जैसा है, वो हमेशा बार में ही रहता है। और तुम्हें पता है कॉलेज का जो नया व्यू है ना, वो भी आजकल उनके साथ बार में हमेशा जा रहा है, हर रोज मैं उसे देखती हूँ, लगता है उसे किसी ने डंप कर दिया है। किट भी वहीं पर होता है, वो सारी बातें सुन रहा होता है, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क बार में बैठा होता है, जैक और जीव भी उसके साथ होते हैं। जीव मार्क को डोर की तरफ इशारा करता है क्योंकि वहाँ पर किट खड़ा होता है। मार्क जब उधर देखता है तो किट वहीं पर होता है। किट मार्क को ढूंढते हुए यहाँ पर आया होता है। जैक भी मार्क से कहता है कि देखो आज रात को कोई तुम्हें ढूंढते हुए आया है, लेकिन मार्क कहता है कि वो मेरे लिए नहीं आया है और फिर से ड्रिंक करने लगता है। जीव उससे कहते हैं कि अगर वो तुम्हारे लिए नहीं आया है तो फिर किसके लिए आया है। देखो मार्क, हमें नहीं पता है क्या कि तुम किस लिए यहाँ पर रोज आकर ड्रिंक करते हो, जाओ जाकर उससे बात करो और सारी चीजें क्लियर कर लो, वरना तुम बाद में फिर रिग्रेट करोगे। मार्क उस पर थोड़ा सा भड़क जाता है और कहता है कि आज तो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, और कल तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ गया था, और कहाँ गया वो लड़का जो उन लड़कियों को मेरा लाइन अकाउंट बांटता फिर रहा था। तभी जैक उससे कहता है कि वो मैं था। जैक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही थी, मैं नहीं चाहता था कि दिल टूटने के बाद तुम लूटे पीटे से इधर उधर घूमते रहो, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अब जब किट तुम्हारे साथ मेकअप करने आ गया है तो तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते, या फिर तुम चाहते हो कि जाकर मैं उसे बताऊं। तुम ड्रिंक करने के बाद किसका नाम लगातार रटे जा रहे थे। देखो मार्क, मुझे इसके लिए मजबूर मत करो, तुम जाकर उससे बात कर लो। मार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो किट से मिलने बाहर चला आता है। वो किट के पास आकर कहता है कि बोलो तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम क्या चाहते हो। किट उससे कहता है कि चलो हम बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ पर बहुत शोर है। मार्क उससे कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है यहीं पर कहो। किट उससे कहता है कि कल सुबह में तुम्हारी क्लास है। मार्क उससे काफी रूडली बात करता है और कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और मैं हर सुबह क्लास करने चाहता हूँ। किट उससे पूछता है कि तुमने इतनी पी रखी है, वैसे तुम घर कैसे जाओगे आज। मार्क उससे कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप करने वाले हो। किट उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूं। मार्क उससे कहता है कि जो भी हो, मैं बस अभी नहीं जाना चाहता, क्या तुम वेट कर पाओगे। किट उससे कहता है जाओ, तुम्हें जितना ड्रिंक करना है उतना करो, फिर देखते हैं क्या मैं तुम्हारा वेट कर पाता हूँ। काफी देर हो गई होती है, मार्क वॉशरूम से अभी तक नहीं वापस आया होता है, इसलिए जैक और जी उसकी चिंता करने लगते हैं। जैक कहता है कि यहाँ पर तो बहुत डरावनी लड़कियां हैं, पता नहीं ये मार्क कहाँ रह गया, और वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी एक लड़की मार्क को लेकर वहां पर आती है। चूंकि मार्क ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए जैक उसे संभालते हुए सोफे पर बैठा देता है। वो उसे टीज करते हुए कहता है यार, हैंडसम होने का अपना एक अलग ही फायदा है, अब देखो ना तुम एक सेकंड पहले ही वॉशरूम गए और तुम्हें वहां एक लड़की भी मिल गई, क्या बात है।
लेकिन यहाँ पर मार्क अचानक किट के पास जाने की जिद करने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं किट के पास जा रहा हूँ। वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। वो उसे समझाते हैं कि घंटों हो गए उसके आए, वो तुम्हारा वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किट सच में उसका वेट कर रहा होता है। मार्क किट को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि किट तुमने सच में मेरा वेट किया। किट जैक और जे से पूछता है क्या ये हमेशा हर रात को ऐसे ही ड्रिंक करता है। जैक कहता है कि आज इसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है, शायद ये आज किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। किट समझ जाता है कि एक्चुअल में वो दोनों टॉन्ट मार रहे हैं। जैक उससे कहता है कि अगर तुम इससे प्यार नहीं कर सकते ना, तो तुम इसे बेवजह उम्मीद भी मत दिया करो, वरना ये कभी इन सब से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। ये सुनकर किट को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो जू की हेल्प से मार्क को कार में बिठाता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में मार्क चलती हुई कार में बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करता है। उसने बहुत ही ज़्यादा पी रखी होती है, इसलिए उसे वॉमिटिंग भी होने लगती है। किट उसे संभालते हुए गिरते पड़ते बहुत ही मुश्किल से लेकर उसे अपने रूम में पहुँचता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वो काफ़ी थक गया होता है, क्योंकि अब इतने बड़े इंसान को उठाना किट के लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम रहा होगा ना। किट उसकी पूरी बॉडी को वाइप करता है और उसे अच्छे से सुला देता है। किट उससे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे अपनी बात पूरी करने नहीं दी, मैं आज तुम्हें बताता हूँ। और वो उससे कन्फेस करता है कि वो भी उसके बारे में सेम फील करता है। वैसे तो मार्क को बिल्कुल भी होश नहीं होता है, फिर भी वो किट का नाम पुकारते हुए उसे हग कर लेता है। किट उससे सॉरी भी बोलता है कि उसकी वजह से मार्क इतना उदास हुआ। और वो उससे कहता है कि मार्क मुझ पर भरोसा रखो और इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। और इसके बाद वो मार्क को एक स्वीट से किस देता है। मार्क अपना सिर तिरछा करके सो गया होता है, इसलिए किट उसे सीधा करता है ताकि वो कंफर्टेबल होकर सोए। लेकिन जब किट उस तरफ पलटता है तो उसके नेक पर एक लव बाइट का निशान होता है। भाई साहब, जिसे देखकर तो किट का दिमाग लावा जैसे उबलने लगता है। वो उससे कहता है कि मार्क ये तुम्हारे नेक पर किस तरह का निशान है, ये कहाँ से आया। लेकिन मार्क तो होश में होता ही नहीं है, फिर भी वो उसे जवाब देता है कि किट मुझे नहीं पता, मेरे पास सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और वो बड़े ही प्यार से किट को हग करने वाला होता है, लेकिन किट उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है और मार्क उसी तरह से सोता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, मार्क अभी भी सो रहा होता है। वायु उसे जगाने आया होता है। वायु उसे कहता है मार्क उठो, सुबह हो गई है, क्लास नहीं जाना क्या तुम्हें, कब तक सोते रहोगे। लेकिन मार्क तो जैसे उठने का नाम ही नहीं लेता है। वो उससे कहते हैं कि तुम मेरे रूम में कैसे आए। वही उससे कहते हैं तुम्हारा रूम, अच्छा ज़रा उठो तो और अच्छे से चारों तरफ देखो, क्या ये तुम्हारा रूम है, देखो देखो। वही उसे उठाकर दिखाता है कि देखो ये किट का रूम है और तुम पूरी रात से यहीं हो किट के रूम में, तुम अपने रूम में नहीं हो। लेकिन यहाँ पर मार्क के और भी नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। वो उसे कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा सपना देख रहा हूँ, मुझे इस रूम का ऑनर ही उठा सकता है। वायु उसे बताता है कि कितने ही उसे भेजा है उसे जगाने के लिए, और वो उसे उठाने लगता है। लेकिन मार्क सच में उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वायु उसे काफ़ी देर से जगाते जगाते परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है कि मार्क कल रात को ऐसा तुमने क्या किया था जो तुम्हें इतनी थकान हो रही है। मार्क ये मत कहना कि कल रात को तुम्हारे और किट के बीच में। मार्क कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वायु की नज़र मार्क के नेक पर पड़ती है, जहाँ पर वो लव बाइट के निशान देखकर चौंक जाता है। वो मार्क से पूछता है कि मार्क तुम्हारे नेक पर ये निशान कैसे है। वो उसे फ़ोटो खींचकर दिखाता है। मार्क जब इसे देखते हैं तो वो बहुत ही चौंक जाता है और जल्दी से उठ जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो लड़की मार्क को जैक और जियो के पास छोड़ कर गई होती है। ये लव बाइट का निशान मार्क को उसी ने दिया होता है। वायु मार्क से कहता है कि हमेशा से मुझे यही लगता था कि किट एक नर्ड है, बहुत ही भोला भाला है, लेकिन वो इस मामले में इतना तेज निकलेगा मुझे नहीं पता था। मार्क को नहीं पता होता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसे ये पता होता है कि किट ने ये नहीं किया। नेक्स्ट दिन में हम किट और थानू को देखते हैं, जहाँ पर थानू किट से कहता है कि उसकी एक पोर्ट्रेट गुम हो गई है, जो कि किट के नोट में गलती से आ गई होती है और अब वो फाई के पास होती है। थानू कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कहाँ पर गुम हो गई है। किट उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लेक्चर्स वापस कर दूंगा, फिर तुम उसमें ढूंढ लेना, शायद वो उसी में हो। किट उसे बताता है कि उसने पहले बहुत ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली थी। थानू उससे कहता है कि कोई बात नहीं किट। यहाँ पर थानू और किट को बात करते हुए देखकर मार्क जो कि किट को की वापस करने आया होता है, वो उसे बिना वापस किए ही वायु के पास चला जाता है। वायु मार्क से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, क्या तुमने की उसको रिटर्न की। मार्क किट और थानू को साथ में देखकर अपसेट हो गया होता है। वो उससे कहता है कि मैंने थानू को किट के साथ देखा, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वायु उसे समझाता है कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैंने थानू से पूछा था, उसने कहा कि वो किट को सिर्फ एक जूनियर की तरह ही देखता है और किट भी उसके लिए कुछ भी नहीं करता। ये सुनकर तो मार्क की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वायु को कहता है कि तुम मेरे साथ मेडिसिन फैकल्टी चलो और वहाँ पर तुम थानू को किट से अलग रखना, जैसा कि तुमने कल किया था।
वायु ये सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि लास्ट नाइट उसने एक थानू को किस किया था, इसलिए वो जाने से बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहा होता है। वायु कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें शाम तक वेट करना चाहिए, जब तक किक के साथ सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, और मैं अभी थानू को देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस पर मार्क उसे घूर कर देखने लगता है और उससे कहता है कि थानू ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या। इस पर वायु उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। मार्क को वायु पर डाउट हो जाता है, वो उससे कहता है कि कहीं तुमने थानू को कुछ कर दिया क्या। वायु उससे कहता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उस तरह का इंसान लगता हूँ क्या। वैसे वायु के इनोसेंट फेस को तो देख कर ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं ना, जो दिखने में इनोसेंट होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कांड कर रखे होते हैं। वायु ये कहकर बात डाल देता है कि उनकी क्लास लेट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को मार्क किट का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद किट वहाँ आ भी जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर मार्क के लिए नाराज़गी साफ दिखाई देती है। मार्क उससे कहता है कि कल रात को मैं तो किट उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है कि मेरी की मुझे वापस दो। मार्क उसे मनाने लगता है और कहता है किट आई एम सॉरी ना, कल रात को मैंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन किट उसके हाथ से की लेता है और वहाँ से जाने लगता है। मार्क उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि कल रात को क्या हुआ था। किट उसके हिक्की के निशान को घूर कर देखता है और कहता है इसके अलावा मुझे और क्या जानने की ज़रूरत है। ये जानने के लिए पूछूं कि किस रीज़न की वजह से तुम इतना पीकर गलियों में पड़े हुए थे, या फिर ये पूछूं कि तुम्हारे ये नेक पे निशान किसने दिया है। मार्क कहता है कि किट मुझे तो होश भी नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता है कि ये किसने किया है। किट को लगता है कि मार्क उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम उससे झूठ बोलना चाहते हो ना तो अच्छे से बोलो, और अगर तुम उससे ये कहते हैं कि तुम्हें किसी कीड़े ने काटा है तो मैं तुम पे यकीन भी कर लेता। ये सुनकर मार्क को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उससे कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के बारे में। किट को काफ़ी अजीब लगता है कि अभी एक और झूठ है। वो उससे पूछता है कि क्या झूठ बोला है तुमने। मार्क उससे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं क्विट कर दूंगा, तुम्हें कभी नज़र नहीं आऊँगा, कभी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन सच तो ये है कि मैं आज तक तुम्हें भूल ही नहीं पाया, और मैं बहुत खुश हूँ कि कल रात को तुम मेरे पास आए, लेकिन अफसोस कि मैंने उस मौके को भी गंवा दिया, मैं कितना स्टूपिड हूँ ना। मार्क बहुत इमोशनल हो जाता है। वो किट से कहता है कि तुमने मेरा ख्याल रखा, उसके लिए थैंक्स, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और ये कहकर मार्क वहाँ से जाने लगता है। किट उसे रुकते हुए कहता है कि तुम इस बार भी खुद ही कह रहे हो और मुझे कभी कुछ बोलने ही नहीं देते। इस पर मार्क पीछे मुड़ जाता है और उससे कहता है कि तुम उससे कुछ कहना चाहते हो। किट उससे कहता है कि हाँ, पर क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो बिना कुछ बोले चुपचाप सुनना, कोई भी सवाल मत करना जब तक मैं ख़त्म नहीं कर लेता। मार्क कहता है कि ठीक है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस बारे में है। किट उसे बताता है कि ये हमारे बारे में है। किट के बस इतना कहने की देर थी, मार्क बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में उसे कहता है कि प्लीज़ जल्दी से बताओ ना। किट उसे कहता है कि ठीक है, बोलता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ सुनना, कुछ बोलना मत। लेकिन किट कुछ बोले इससे पहले बार बार उसका ध्यान मार्क के नेक पर जा रहा होता है और वो उस निशान को देखकर रुक जाता है। मार्क जल्दी से उस निशान को ढक लेता और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम कंटिन्यू करो, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। लेकिन किट बार बार उस निशान की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है और कुछ बोल ही नहीं पाता, इसलिए वो मार्क से कहता है जब तक ये तुम्हारा मार्क चला नहीं जाता ना, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। ये सुनकर तो मार्क के चेहरे का रंग ही उतर जाता है। किट उससे कहता है जब ये चला जाएगा ना तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। मार्क उससे कहता है कि इसे जाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन किट कहाँ सुनने वाला था, वो वहाँ से चला जाता है। मार्क चिल्लाता रह जाता है कि प्लीज़ किट वापस आओ, प्लीज़ किट मुझे बताओ ना तुम हमारे बारे में क्या बोलने वाले थे, लेकिन किट वापस नहीं आता। बेचारा मार्क अब ये सोच में पड़ जाता है कि वो इस निशान से कैसे पीछा छुड़ाएगा, वरना किट उससे बात ही नहीं करेगा। किट जब अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसे बहुत ही अच्छे से किसी ने डेकोरेट किया होता है, जो कि मार्क ने किया होता है, और वो वहीं पर होता है। वो उससे कहते हैं मुझ पे गुस्सा होने से पहले मैंने जो नोट्स रखे हैं उसे पढ़ लेना, और वो वहाँ से चला जाता है। किट नोट्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मुझ पे गुस्सा मत करना, तुम जितना गुस्सा करोगे मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा, मैंने कहा था ना, और दूसरे पर लिखा होता है कि मेरी फीलिंग अभी भी तुम्हारे लिए सेम है। किट के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। मार्क ने अपना वो अम्ब्रेला भी यहाँ पर रखा होता है जो कि उसने किट के लिए अपने हाथों से पेंट किया होता है। किट को मार्क का मैसेज आता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, क्या मैं ऊपर लेने आ सकता हूँ। किट उसे कहता है कि तुम यहीं पर छोड़ दो। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।